चंडीगढ़ शहर जिसे पूरी प्लानिंग के साथ बनाया गया और फिर बसाया गया, लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ आज चंडीगढ़ अपना रूप बदल चुका है और अब वो बन चुका है एक स्मार्ट सिटी। लेकिन सिटी ब्यूटीफुल को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए प्रशासन ने कई तरह की कवायदों को अंजाम दिया। उसने कहीं साइकिल ट्रैक बनवाए तो कहीं अब इस शहर में साइकिलिंग स्टेशन बना इसे और भी स्मार्ट बना दिया गया है। चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी का अव्वल दर्जा दिलवाने के लिए प्रशासन पूरे जी जान से जुटा हुआ है। शहर का स्वरूप बदला जा रहा है, लेकिन इसी बीच आम आदमी से जुड़ी कुछ सुविधाएं भी पूरी तरह से बलि चढ़ाई जा रही हैं नई सुविधाओं को लाने के लिए। कैसे, यही बताएंगे हम। साइकिल ट्रैक बनाने की कवायद करते हुए प्रशासन ने साइकिल और रेहड़ी रिक्शा इत्यादि चलाने वालों को राहत दी तो एक तरफ पौधे लगाकर उसने शहर की खूबसूरती को बढ़ाने के काम को अंजाम दिया। अब जरा इस रास्ते को देखिए, एक तरफ साइकिल ट्रैक, दूसरी तरफ पौधे, तो एक तरफ घरों की दीवार, यानी वो फुटपाथ जो पहले पैदल चलने वाले लोगों के लिए हुआ करते थे वो आज पूरे शहर में से अधिकतर जगहों पर गायब होते जा रहे हैं। शहर को स्मार्ट बनाने की कवायद करते हुए प्रशासन के स्मार्ट अधिकारियों ने आम आदमी की उस सुविधा को पूरी तरह तहस नहस कर दिया जिस पर चलते हुए वह एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर तक पहुंचने का रास्ता तय किया करता था। पैदल चलने वाले राहगीरों के लिए फुटपाथ उनकी मंजिल तक पहुंचने का एक अहम रास्ता थी, लेकिन वो फुटपाथ अब गायब हो गए हैं। अपनी इस गलती को सुधारने के लिए प्रशासन क्या कवायद करता है, या फिर अपनी इस नाकामी को छिपाने के लिए किस तरीके का तर्क प्रशासन देता है, ये तो आने वाला वक्त ही बतलाएगा। बहरहाल, कैमरामैन दीपक चौहान के साथ गगन नारंग, अर्थ प्रकाश, चंडीगढ़। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।